अरे बच्ची की गोद में सांप, अरे नकली होगा। अरे नहीं, वो सांप तो जीभ निकाल रहा है, वो सांप असली है। वो बच्ची इसलिए सांप को नकली सांप समझ रही है, वो तो उससे काट लेगा, मैं उस सांप को मार दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे ये तो चतरे नाग नागिन है, अब नागिन मुझे नहीं छोड़ेगी, भागो। जान बचाना तो नागिन को भी मारना पड़ेगा। नागिन तू आ गई, तूने मेरे भाई को मारा। गलती से मार गया, तू भाग जैसे वरना तुझे ही मार दूंगा। तू मुझे मारेगा मैं तुझे मार दूंगी। मार के दिखा। मादे के भक्त को मिलते बाहर आना, मादे जलने के। अरे नागिन कहाँ जा रही है, मुझे क्या करते, मुझे बाहर निकाल दे। चलो अपनी बहन को बुलाती हूँ, बहन जल्दी आ मुझे आजाद कर। हथौड़े को उठा और बोतल फोड़ दे। ठीक है, अभी तुम्हें आजाद करती हूँ। उठा हथौड़ा, लगा जोर और जोर लगा। तुझसे कुछ नहीं होगा चुड़ैल, चल भाग यहाँ से। अरे कितना घना जंगल है, लगता है कोई इंसान आया है, चलो अपना रूप बदल लेती हूँ। सुनो कोई मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कौन हो तुम? मैं छुड़ाए ना कि मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें दावी पूरी करूंगी। ठीक है मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। हर हर महादेव। यो पार्ट टू के लिए कमेंट करें। अरे एक तो नागिन ने मुझे बोतल में कैद कर दिया, ऊपर से ये सांप मेरे गले में डाल दिया। अरे एक शिकारी आ रहा है, चलो रूप बदल कर उससे मदद मांगती हूँ। मेरी कोई मदद करो, ये सांप मुझे खा जाएगा। अरे ये क्या, एक बेचारा बच्चा बोतल में बंद, ऊपर से उसके गले में नाग लिपटा हुआ है, वह नाग तो उसे डस लेगा। चलो उस नाग को मार देता हूँ, मुझे शिकार भी मिल जाएगा। बहुत भूख लगी है, चलो तुम्हें खा लेती हूँ। वहीं पर रुक जा चुड़ैल। नागिन मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे नागिन तू बार बार हमें रोकने आ जाती है, क्या दुश्मनी तेरी हमसे? मेरी दुश्मनी तुझसे नहीं, तेरे अंदर की बुराई से है। मुझे जाने दे नागिन। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। चुड़ैल ने छलावा करके मेरे हाथों से नागिन के भाई को मरवा दिया, अब नागिन मुझे नहीं छोड़ेगी। कहाँ तक भागेगा तू? मुझे जाने दे नागिन। नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरे भाई को मारा तूने। गलती से मारा गया, मेरे रास्ते से हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा मैं। तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे मार दूंगी। रुक जा नागिन, नागिन उसे छोड़ दे, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। नागिन तो फिर आ गई। नागिन आज मैं तुझे मार दूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा तेरी शक्तियों से, क्योंकि मैं शैतान की तपस्या कर आई हूँ। हे महादेव मुझे शक्ति दो, इसे मैं खत्म कर सकूं। शिकारी कब तक तू बचेगा? पार्ट टू के लिए कमेंट करें। बेटी खजाने का ध्यान रखना, खाने के लिए मैं कुछ लाती हूँ। ठीक है माँ। अरे बहुत प्यास लगी, चलो इसे छुपा के पानी पीने जाती हूँ। अरे भाई देखो इन पत्तों के ढेर में क्या है। अरे इतना सारा सोना चांदी। अरे ये खजाना यहाँ पर कैसे है? भाई ये देखो, हम तो माला माल हो गए। अरे मेरा खजाना कहाँ ले जा रहे हो? ए लड़की कौन है तू, चढ़ भाग गया ऐसे, चढ़ चढ़ नहीं छोड़ेगी तू खजाना। नहीं नहीं मेरा खजाना दे दे। ले मारे गई ना। एक चौधरी नागिन भाग यहाँ से। मेरी बेटी क्या हुआ तुम्हें? शिकारी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नागिन महादेव के भक्त कमेंट में हरार महादेव। मुन्नी के पापा आएंगे, नए खिलौने लाएंगे, रूप बदलती है, बहुत शरारत करती है। हे भगवान इतना बड़ा जंगल लेकिन शिकार
एक भी नहीं मिला। गुदी, गुदी, गुदी। अरे इतना बड़ा सांप उस औरत के पास, वो सांप मुझे चाहिए, उसका भी बहुत महंगा बिचेगा। अरे औरत पागल है क्या, उस सांप की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी, पागल कहीं की। बेटी तुम ठीक तो हो ना? अरे वो सांप तो बच्चे बन गया, इसका मतलब एक सिधारी नागिन माँ बेटी है। भागो वरना आज मेरा ही शिकार हो जाएगा। शिकारी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे मेरे पीछे कौन आ रहा है? तेरे पीछे तेरी मौत आ रही, मेरी बेटी को मारेगा। महादेव की बात कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नागिन हमें भी आजाद कर दो वरना हम स्टेप में भूखे पैसे मर जाएंगे। ठीक है पहले तुम कसम खाओ कि तुम किसी इंसान को नहीं खाओगी, तभी तुम्हें आजाद करेंगे। ठीक है हम महादेव की कसम खाते हैं, आज से हम किसी भी इंसान को नहीं खाएंगे। एक काम करो इन्हें भी आजाद कर दो, इन्होंने महादेव की कसम खाई है। ठीक है नागिन तुम कहती हो तो मैं इन्हें भी आजाद कर देता हूँ। बहन बहुत जोरों से भूख लगी है और सामने खाना भी है, चलो डिनर करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं नागिन कहाँ चले गई, मुझे बचाओ इनसे। अरे चुरा रहा उसने तुम्हें आजाद किया और तुम उसे ही खाने लगी, तुम कभी नहीं खरोगी। महादेव को झूठ का कसम खाती हो। इस बार मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगी। पार्ट टू के लिए कमेंट करें। कहते हैं इस जंगल में एक सिधारी नागिन रहती है, अगर मुझे उसकी नागमणि मिल जाए तो क्या बात होगी। अरे ये क्या चमक रहा है, अरे ये तो नागमणि है। अगर मुझे मिल गई नागमणि, इससे पहले नागिन आए मुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ नागिन नहीं आ पाएगी। अरे नागिन तू आ गई, मेरी नागमणि मुझे दे दे। नागमणि तो मैं तुझे नहीं दूंगा क्योंकि इस नागमणि को ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए हैं, तुझे तो मौत दूंगा। या दे मेरी नागमणि। भाई तुम कब आए, मुझे पता है तुम शिकार जरूर आएगा। धन्यवाद भाई। महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। ए भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार दिया। हे महादेव, मेरे भाई को शिकारी ने मार दिया और आप देखते रहे। अगर मेरा भाई वापस नहीं मिला तो मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। नागिन का क्रोध जायज है, लेकिन नागिन ये भूल गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होता है वह व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। अरे वो तो मेरा भाई है। भाई भाई तुम कैसे बच गए? मुझे महादेव ने बचा लिया। जय महादेव। महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इंसानों के बस्ती में जाएगी? नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दो। ऊपर से रूप बदलते हैं, इंसान बहुत खतरनाक होते हैं ना। आने दे पापा को, पापा से बताऊंगी। इंसानों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, रूप बदल लेगी तो मुझसे बच जाएगी क्या? अरे देखो भाई, वो औरत उस सांप को मार रही है, लगता वो सांप उस औरत को काटना चाहता है। एक काम कर, उस सांप को मार कर उस औरत की जान बचा ले। हाँ भाई। अरे वो सांप तो लड़की बन गया। हाँ भाई, ये तो इच्छाधारी नागिन माँ बेटी है, चल भाग यहाँ से। किसने मारा मेरी बेटी को? महादेव की कसम छोड़ूंगी नहीं। नहीं, नहीं। महादेव की बात कमेंट में हर हर महादेव जरूर।